क्या आपको पता है प्रभास की जो नई मूवी आने वाली है कल की 2998 AD, इस मूवी को लोग कॉपी क्यों बोल रहे हैं? और कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं कि ये मूवी साउथ और बॉलीवुड का फ्यूचर बदलने वाली है? आपको नहीं पता, चलो बता। गुरु, मूवी का नाम है कल की। जब मैंने खुद इसका टीजर देखा तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली थी कि क्या ये मूवी इंडिया में बन रही है और इस मूवी को बनाने वाला कौन है, बॉलीवुड या साउथ। मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा टीजर बनाने के बाद भी कुछ लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये मूवी कॉपी होने वाली है, कॉपी होने वाली है, कॉपी होने वाली है। इसकी सिर्फ दो ही वजह है। पहली वजह तो यह है कि इसके अंदर लेजर वेपन दिखाया और जो गन दिखाई है वो भी लेजर गन है, और लेजर गन तो हमने सिर्फ स्टार वॉर में देखी है, तो मतलब ये कॉपी है। और दूसरी वजह, हाँ भाई, थोड़ी थोड़ी देखने पे लग भी रही है कि ये उसकी कॉपी है, मगर बात जितनी सिंपल दिख रही है इतनी है नहीं। चलो बता दो, क्या हमने लेजर गन वाले सीन सिर्फ स्टार वॉर मूवी में देखा है? नहीं, बहुत सारी ऐसी मूवीज है, कार्टून है, टीवी शो है जिसमें हमने लेजर गन वाले सीन देखे है, जैसे कि 2012 वाली द अवेंजर, टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे, टाइटन AE, द लास्ट स्टार फाइटर और मूनराइजर। अब इन सब मूवीज में लेजर गन दिखाई है तो क्या ये सब मूवी स्टार वॉर की कॉपी हो गई? नहीं। हाँ, इन दोनों मूवी की थीम थोड़ी सेम हो सकती है, मगर स्टोरी पूरी अलग है भाई एक दूसरे से। और जो लोग इस मूवी को ज्यादा कॉपी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मान जाओ, ना कॉपी पड़ेगा तुम्हारे मुंह पे, मैं तो खुद मान जाओ, वरना प्रभास 16 का सरिया लेके आएगा, फिर तो मानना पड़ेगा। इस मूवी को जो डायरेक्टर है नेग अश्वनी और सी अश्वनी, वो दोनों भाई है, मतलब मुझे नाम से तो लग रहा है, बाकी पता नहीं भाई है नहीं। अब ये मूवी इन दोनों डायरेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग मूवी होने वाली है, क्योंकि भाई इन्होंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे मूवी पे काम करा है फर्स्ट टाइम ऐसी मूवी पर काम करा है। अब इन दोनों डायरेक्टर के इतने बेहतरीन काम देख के खुद SS Rajamouli ने ट्वीट करके बोला है कि भाई इस मूवी को रिलीज कब कर रहे हो यही बता दो। मैं बता रहा हूँ, अगर SS Rajamouli की झंडी मिल गई तो भाई सुपर हिट पिक्चर है, क्योंकि उनका जलवा तो हम देख चुके हैं, बाहुबली, RRR, KGF उन्होंने बनाई थी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ यार, मुझे खुद नहीं पता। अब इस मूवी की कहानी क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली, ये बताऊंगा मैं आपको एक दूसरे वीडियो में जो इसके बाद आएगी, जरूर देख लेना भाई, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो में, पूरी डिटेल वीडियो बनेगी इसके टीजर के ऊपर, ये सिर्फ कुछ लोगों का भरम हटाने के लिए। गुरु, इंडिया की सबसे महंगी मूवी कल की, इसका बजट 600 करोड़ होने वाला है भाई। नहीं, कोई आदि पुरुष की बात नहीं करेगा, उसका बजट भी 600 करोड़ हो गया था, मगर उसका टीजर देखने के बाद ही लोगों ने अपना मन बना लिया था कि इसको तो हमें बिल्कुल नहीं देखना है, मगर इसका ऐसा नहीं है भाई। कल की मूवी का टीजर इस टाइम यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अब तुम सोच सकते हो कि लोग कितने खुश है यार इसको देख के। पूरे मूवी का बजट मोटा है, स्टार कास्ट तगड़ी है और मूवी की स्टोरी में दम भी बहुत है। अब इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन होने वाला है? देखो भाई, बेस्ट लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, प्रभास, दीपिका, कमल हसन, अमिताभ बच्चन और हमारे फेवरेट सूर्या। हाँ भाई, द रोलेक्स, इस बंदे का यार मैं सिंगम से फैन हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं भाई लोगों, तुम्हारे एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, तो जरूर करके जाना। और जिसने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखी 1, 2, 3, 4 देख लो यार, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, चलते हैं।